हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं, सिर्फ एक सेकंड में आप पता कर सकती हैं आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर आपको पीरियड आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत सारी लेडीज कंसीव करना चाहती हैं और बहुत सारी नहीं चाहती हैं। तो जो कंसीव करना चाहती हैं उनको भी ये पता होना चाहिए, जो नहीं करना चाहती हैं उनको भी ये पता होना चाहिए। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, आपकी प्रेग्नेंसी रुक जाती है और 7 दिन में आपका इम्प्लांटेशन होता है। जैसे आपने इंटरकोर्स किया, इंटरकोर्स के कितने दिन के बाद आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं? तो इंटरकोर्स के 7 दिन से पहले आपको पता नहीं चल सकता है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या फिर नहीं हुई हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, कोई कुछ भी कहे आपको नहीं मानना है। देखिए, 7 दिन के अंदर आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। 7 दिन से पहले आप इंटरकोर्स के कम से कम आपको 3 दिन तो लगेंगे, 3 दिन बाद आपको लक्षण नजर आ सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना होगा अपनी बॉडी पर, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं या आपको पीरियड आएंगे। तो अगर आपको वेजाइनल डिस्चार्ज आपका चेंज हो जाता है आफ्टर इंटरकोर्स 3 दिन के बाद, तो आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज्यादा थिक होता है। तो जब आप गर्भधारण कर लेती हैं तो आपको पीरियड डेट से पहले यानी कि 15 दिन पहले ये जो डिस्चार्ज का कलर है ये क्रीमी कलर का हो जाता है और ये चिपचिपा नहीं होता है। इससे आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। दूसरी चीज, जैसे ही आप कंसीव कर लेती हैं आपको पेट में बहुत ज्यादा चुभन, हल्की सी क्रैम्पिंग आपको फील होती है, तो इससे भी आप पहचान सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। तीसरा, आपको भूख नहीं लगती है, आपको बार बार पेशाब आने जैसा फील होगा, तो ये प्रेग्नेंसी का लक्षण है। ये सब आपको पीरियड मिस होने से पहले होगा। इसके अलावा पेट में बहुत ज्यादा खिंचावट फील होना, पेट भरा भरा सा फील होना, ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। इसके अलावा निप्पल के आसपास आपको बहुत ज्यादा टाइटनेस फील होगी, आपको मतलब जो ब्रेस्ट है ब्रेस्ट में बहुत अलग से अपना आपको चेंजेस नजर आएंगे, तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। यूरिन का बार बार आना, आपके ये आपकी कमर में भी दर्द आपको हो सकता है, तो ये सभी प्रेगनेंसी के लक्षण है। अगर आपको पीरियड आने से पहले ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो गई हैं और आपको पीरियड्स नहीं आएंगे। इसके अलावा पीरियड से 2 या 3 दिन पहले आपको हल्का सा ब्लड आ सकता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको पीरियड आ गए हैं, नहीं। ये ब्लड आपको बहुत सारी लेडीज को होता है और बहुत सारी लेडीज को नहीं होता है, इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपको ब्राउन कलर का हल्का सा डिस्चार्ज होता है या पिंकिश कलर का बिल्कुल हल्का सा धब्बा आता है। इसमें आपको पैड की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये या तो 2-3 घंटे में खत्म हो जाएगा या फिर 1 से 2 दिन के अंदर। अगर 3 दिन या 4 दिन होता है तो ये आपके पीरियड है, ना कि आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आप उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये चीजें समझ आई होंगी। और इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।